So the first psychology of winning, that is positive self-awareness. So my dear friend, the second psychology of winning, that is positive self-esteem. The third psychology of winning, that is positive self-control. अब जो fourth psychology of winning है, that is positive self-motivation. तो अब हम पांचवी psychology of winning के बारे में बात करते हैं, that is positive self-expectancy. अब हम बात करते हैं सिक्स्थ साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ इमेज. पॉजिटिव सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा बहुत मिलता है आपके सेल्फ स्टीम से. इसमें भी जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, अगर हम इसको समझें तो इसका बेसिक मतलब होता है कि आप खुद को कैसे देखते हो. देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज इमेज. अब ये जो वर्ड है इमेज, इमेज का मतलब क्या है? इमेजिनेशन. अब यहां पर ऑथर ने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, मैं सेम टू सेम वही लाइन आपको पढ़ के बताता हूं. दैट इज व्हाट यू इमेज एज बीइंग रियल विद फ्रीक्वेंसी बिकम योर वर्जन ऑफ रियलिटी. यानी कि कॉन्शियसली आप क्या इमेजिन कर रहे हो और लगातार कर रहे हो, वो आपका वर्जन ऑफ रियलिटी बन जाता है. यानी कि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है. एक इंसान है जो अपने आप को एज अ विनर इमेजिन कर रहा है हर दिन. जो मैंने आपको चीजें बताई, वो अपने आप से कह रहा है आई एम सुपर इंडिविजुअल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल. एक इंसान इस तरह की बातें अपने आप से कंटिन्यूटी के साथ हर दिन बोल रहा है, तो ये इंसान आगे जाकर विनरी बनेगा. क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में, इसके माइंड में, इसकी जो इमेजिनेशन है वो बिल्कुल विनर्स वाली है, तो आगे जाकर ये विनर बनेगा. और वही एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ब्लेम कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है. तो जो इस तरीके की चीज़ों को इमेजिन कर रहा है और कंटिन्यूटी के साथ इमेजिन कर रहा है, तो वो इन फ्यूचर लूज़र बनने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड ये चीज़ें आपको अपने पर लेनी है, खुद पर लेनी है. मैं किसी और के लिए वीडियो नहीं बना रही, मैं आपके लिए बना रहा हूँ. आपको ये सोचना है कि आप कैसे खुद को इमेजिन करते हो. क्या आप अपने आप को एज अ विनर कंसिडर करते हो? क्या आप अपने आप को एज अ विनर इमेजिन करते हो या फिर एज अ लूज़र करते हो? और विनर कैसे खुद को इमेजिन कर रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें सेल्फ स्टीम के अंदर बता चुका हूँ. अब हम नेक्स्ट साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर ऑथर ने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज पर्पस. पर्पस का मतलब क्या होता है? देखिए एक इंसान विद पर्पस बहुत ही क्लियर उसकी लाइफ में डायरेक्शन होता है, और एक इंसान विदाउट पर्पस रैंडमली मूव करता है. मैं हूँ, मेरे पास पर्पस नहीं है, मुझे नहीं पता लाइफ में कहाँ जाना है, तो मैं रैंडमली एक्ट करूँगा, कभी इधर कभी उधर, कहीं भी इधर उधर रैंडमली एक्ट करूँगा. और मुझे पता है मेरी लाइफ का पर्पस क्या, मुझे कहाँ जाना है, तो मैं एक डायरेक्शन में मूव करूँगा. जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक बंद कमरे के अंदर पहुँचा दिया, और उस कमरे में लाइट बंद है, बिल्कुल डार्क रूम है. अब उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप ऐसे हाथ मारोगे, कहीं इस दीवार को टच कर रहे हो, कहीं उस दीवार को टच कर रहे हो. आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका एग्जिट कहाँ पे, मुझे बाहर कैसे निकलना है. आप रैंडमली मूव करोगे. क्यों? क्योंकि उसमें लाइट नहीं है. वही मैं आपको एक ऐसे कमरे में डाल देता हूँ जिसमें लाइट जल रही है, तो आपके लिए आसान होगा ना उस कमरे से बाहर निकलना, या फिर उस कमरे में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना. तो ये जो लाइट है ना, बस पर्पस ऐसे ही आपकी लाइफ में काम करता है. जिसकी ज़िंदगी में पर्पस होता है ना, उसकी लाइफ में डायरेक्शन होता है, अपने आप डायरेक्शन आ जाता है. डायरेक्शन कभी क्रिएट नहीं किया जाता. आप एक पर्पस तो आइडेंटिफाई करो अपनी लाइफ में, एक पर्पस बनाओ अपनी लाइफ में, फिर आप देखना कि डायरेक्शन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाता है. आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है. और आपकी लाइफ में अगर पर्पस ही नहीं है तो आप रैंडमली मूव करोगे, इससे पता क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी, आप थका थका फील करेंगे, आप एक लूज़र की तरह आपके अंदर से जो वाइब्स हैं वो आएंगी. तो आपने कई लोग देखे होंगे जो थोड़े से लाचार कमज़ोर ऐसे पड़ जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, काम बहुत कर रहे होते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता. रैंडमली इधर उधर एक्ट करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जी लो करते जा रहे हैं, अपने एफर्ट्स वेस्ट करते जा रहे हैं. सो प्लीज़ आइडेंटिफाई पर्पस इन योर लाइफ सो दैट यू विल हैव अ डायरेक्शन. और जिसके पास पर्पस होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है, वो विनर होता है, बाकी सब लूजर होते हैं. अब हम बात करते हैं एट्थ साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के बारे में, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन. अब इसके अंदर ऑथर ने एक बहुत प्यारा सेंटेंस यूज किया है, सेंटेंस बोलें या फिर हम उसको फ्रेज बोलें, दैट इज आर्ट ऑफ सिमुलेशन.
अब ये जो सिमुलेशन आपके लिए थोड़ा नया वर्ड हो सकता है, बट जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब होता है समथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करती हो। जैसे नेट प्रैक्टिस, आपने देखा जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट मैच खेलते हैं, आप देखना वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि वो जो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या जब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो वहाँ पर आसपास उनके नेट लगा होता है क्या? सेम जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं एज इट इज, सेम उन्हें फसाड वहाँ पर मिलता है जब वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं? नहीं। तो ये जो नेट प्रैक्टिस है वो उनके लिए एज ए सिमुलेशन काम करती है कि वो कर कुछ रहे हैं लेकिन किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, समथिंग That represents something else, यानी कि जितनी ज़्यादा वो नेट प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, उतना ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो माई डियर फ्रेंड, नेट प्रैक्टिस इसी तरह काम करती है। जितना ज़्यादा इंसान, क्रिकेटर, स्पोर्ट पर्सन नेट प्रैक्टिस करता है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है इन एक्चुअल फील्ड। सेम वैसे ही अगर मैं जैसे पायलट्स की बात करूँ, आपने देखा होगा पायलट्स जो होते हैं क्या वो डायरेक्टली किसी भी प्लेन को उड़ाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो सिमुलेटर है बिल्कुल वही सिमुलेटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा होता उतना प्रैक्टिस करते हैं, अपने अंदर परफेक्शन लेकर आते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनका फियर ख़त्म होता है, फिर वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेम वैसे ही अगर मैं आर्ट ऑफ सिमुलेशन को एक शब्द में आपके सामने बताऊँ, दैट इज़ प्रैक्टिस। अगर आप जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेते हो, आप उतनी ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करते हो। और सक्सेस कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से। दैट्स वाई पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम बात करते हैं 9th साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के बारे में, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ का डायमेंशन समझना मतलब उस चीज़ को 360 डिग्री व्यू पर समझना, यानी कि उस चीज़ को पूरी तरह से समझ लेना। अब जैसे सपोज करो आपको किसी मग के डायमेंशन को समझना है, तो मग के डायमेंशन को आप कैसे समझते हो? आप उसकी हाइट देखते हो कि उसकी हाइट क्या है, उसके डायमीटर को समझते हो, उसकी कैपेसिटी को समझते हो कि उसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ। तो जब आप मग के डायमेंशन को समझने जाते हो तो आपको मग की एक्चुअल जो औकात है, मग का आपको क्या यूटिलाइजेशन है, आप उसका कितना इस्तेमाल कर सकते हो और मग कितना यूजफुल है, वो आपको समझ में आ जाता है। सेम वैसे ही अपनी जो लाइफ है ना, इसके 5 डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये 5 डायमेंशंस होते हैं लाइफ के। सो इस तरीके से जो इन 5 डायमेंशंस को समझ लेता है वो ज़िंदगी समझ जाता है। इसलिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो एक पेड़ का बीज बोते हैं, उस पेड़ को बड़ा करते हैं, लेकिन उसकी जो छाया होती है उसमें वो खुद कभी बैठती नहीं है, वो छाया वो हमेशा दूसरों के लिए रखते हैं। इसे ही तो विनर बोला जाता है। विनर का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए तैयार रहना, दूसरों के लिए हेल्पफुल होना। एक जो विनर होता है ना, जो एक्चुअल विनर होता है, वो और अदर विनर क्रिएट करता है। दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ विनर। और सही में इंसान विनर कब बनता है? जब वो ज़िंदगी समझता है। और ज़िंदगी को आप कैसे समझोगे? ज़िंदगी के 5 डायमेंशंस को समझ के। तो खुद को, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे मेंटली बात करें, डेवलप करना स्टार्ट करो। परफेक्शन आप नहीं लेकर आ पाओगे, लेकिन आप खुद को डेवलप तो कर सकते हो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस। देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी क्या बोला, विनर का मतलब वो नहीं होता जो एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। विनर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। तो आप इन 5 डायमेंशंस को समझो। जैसे ही आप 5 डायमेंशन समझोगे, आप ज़िंदगी समझ जाओगे। एंड दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ विनर्स। मैं नहीं चाहता कि आप लूज़र बन कर रहे हैं। आपको ना पता चले कि फिजिकली एक्टिव कैसे रहा जाता है, सोशली एक्टिव कैसे रहा जाता है, साइकोलॉजिकली कैसे एक्टिव रहा जाता है, अपने माइंड को कैसे फिट रखा जाता है, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा रखा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सेल्फ डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच एक्चुअली इन्हांस योर लीडरशिप क्वालिटी। अब हम बात करते हैं 10th साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के बारे में, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो जो सेल्फ प्रोजेक्शन होता है उसको एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, तो वो दुनिया के सामने ऐसे खुद को प्रेजेंट करते हैं जैसे लोगों को पता ही ना चले कि ये बंदा अंदर से डरा हुआ है या फिर ये बंदा अंदर से इनसिक्योर है। इसको बोला जाता है सेल्फ प्रोजेक्शन, और इसको नेगेटिव सेल्फ प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर बात करी है पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन की। सो सेल्फ
प्रोजेक्शन या फिर नेगेटिव सेल्फ प्रोजेक्शन को आप बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अगर ऐसी डिफॉल्ट और इस तरह की चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप एक लूजर कैटेगरी वाले इंसान हो। यहाँ पर ऑथर ने एक प्यारी लाइन बताई है, दैट इज़ कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को ग्रेट कॉन्वर्सेशन कब कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो आप सामने वाले की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको समझ सको, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ के आप सामने वाले को सोल्यूशन दे सको, यानी कि आपने उसको वैल्यू पे करी। अब कोई भी कॉन्वर्सेशन ग्रेट कॉन्वर्सेशन कब होती है, सपोज करो आप किसी से बात कर रहे हो, अब आप उससे बात कर रहे हो, आपसे वो इंसान बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बातों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका वो सोल्यूशन चाहता है। अब आप अगर उसका सोल्यूशन दे देते हो, यानी कि आपने उसको वैल्यू पे करी, आपने उसकी लाइफ में वैल्यू एड कर दी, तो इससे ग्रेट कॉन्वर्सेशन और कुछ और नहीं हो सकती। अब आप वैल्यूज कैसे पे कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इस तरीके से ऑथर ने यहाँ पर समझाई है कि जो पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन होता है उसका मतलब होता है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप लोगों में ट्रांसफ़र करो, उससे आप लोगों की मदद कर सको, उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर सको। यही तो विनर्स की क्वालिटी होती है। लूजर्स क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपनी नेगेटिविटी लोगों पर डालते हैं, यानी कि नेगेटिव सेल्फ प्रोजेक्शन के तौर पर काम करते हैं, और विनर्स पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन के तौर पर। तो ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी ऑफ विनिंग मैंने आपको बताई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझो, इन पर और वर्क करो और इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द बुक दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को जरूर मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।